राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो बाहर से है या फिर दूर रहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रोसेस का नहीं पता कि कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, कितने पैसे आपके लगते हैं। तो आज की वीडियो में इसके बारे में फुल प्रोसेस में बात करेंगे, कहाँ से आपको स्टार्ट करना, कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी जिससे आपका माइग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एमडीयू का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको बाई एंड मिलता है, यानी कि 5-10 मिनट में या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बना के दे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, एमडीयू यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 1 से जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के 20-25 मीटर आप आगे चलोगे तो इन्फॉर्मेशन सेल है। अगर कोई बच्चा नया है तो वो किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता है कि इन्फॉर्मेशन सेल कहाँ पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन सेल दिख जाएगी। तो मैं बाकी यहाँ पे फोटो वगैरह भी अटैच कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सेल पे पहुंचोगे तो वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि सर मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म चाहिए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो मिल जाएगा। इसकी फीस है वो आपकी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। तो करंट में आपकी जो फीस है वो 880 रुपये है, 880 रुपये का आपको फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको ले लेना, इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना है। भरने में आपका नाम, फादर नेम, कॉलेज कहाँ से, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया वो, अब आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, सारी चीज़ें ये आपकी फिल करवाई जाती है। उसके साथ आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट आपको इसके साथ अटैच करना है। फाइनल ईयर का रिजल्ट इसलिए अटैच करना होता है क्योंकि इसमें ही आपके टोटल होते हैं, ग्रांड टोटल होता है। पास प्रोविजनल वाले स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता जब तक उसके सारे के सारे रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हो जाते। जैसे आपका ग्रांड टोटल आता आपको उसके साथ फॉर्म भरना है और उसके बाद ये रिजल्ट आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद जहाँ से आपने फॉर्म लिया था उसी में आपको सीधे जाना एमडीयू के अंदर डायरेक्ट, जहाँ पे आपको सामने दिखेगी माथुराम यज्ञशाला। ओके, रोड पे कहीं भी आपको लेफ्ट राइट नहीं लेना, सीधे के सीधे जाना है। उसके बाद जब आपको सामने टी पॉइंट पे माथुराम साला दिखेगी तो उससे आपको लेफ्ट साइड में टर्न कर लेना। लेफ्ट साइड में जैसे जाओगे तो पहले आएगा आपका वीसी ऑफिस, वीसी ऑफिस के बाद आपको सीधे चलना है। तो वीसी ऑफिस के लगते ही आपको है एकेडमिक ब्रांच, एकेडमिक ब्रांच में आपको एंट्री कर लेनी। एंट्री करते ही जैसे आप अंदर जाओगे बिल्डिंग के तो आपको वहां पे लेफ्ट साइड में डायरेक्ट अंदर चले जाना है। जाके वहां पे क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बोर्ड लगे मिले होते, जैसे गुड़गांव का मतलब ऐसे कैबिन से में बैठे होते हैं वो जो भी ऑफिसर है, तो वहां पे बोर्ड लगे होते हैं। बाकी आप वहां पे पूछ भी सकते हो कि सर मेरा इस कॉलेज का और इस डिस्ट्रिक्ट का माइग्रेशन चाहिए, तो वो बता दें कि आपको वो उस टीचर के पास जाना है। तो आप वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट बोलना है कि सर मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और आप वहाँ पे वो फॉर्म है वो आप उनको दे सकते हो। जैसे आप उनका फॉर्म है वो वेरीफाई कर लेते, एक दो साइन वगैरह करवा के आपका वहीं पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना देते, छोटा सा होता है ठीक है, ऑफलाइन ही बनाते वो, लिख के कई बार प्रिंट भी कर देते, तो वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई एंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके वहाँ पे आपको कोई फीस वगैरह कुछ नहीं देनी होती, 880 रुपये आपके लग जाते वही होता है बस, ठीक है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आप उसको लेके वापस आ सकते हो, जहाँ पे आपको जमा करवाना तो वहां पे आप करवा सकते हो। दूसरी बात, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार मिलता, दोबारा नहीं मिलता, तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट संभाल के रखिए। जैसे आप वहां से निकले तो एक दोस्त का फोटो क्लिक करके इधर उधर भेज सकते हो, अपने खुद के पास या फैमिली के पास भी भेज सकते हो, ताकि इन फ्यूचर कहीं भी जरूरत पड़े तो आपसे डिलीट हो जाए, मे भी उनके पास मिल सकता। ओके, और अगर कई बार क्या है कि बच्चा खुद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके आ सकता तो वो किसी और से भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवा सकता, जो उसका रिलेटिव है या फ्रेंड है उसको अपनी डिटेल भेज के मंगवा सकता। ऐसे किसी को भी मत भेजिए भाई, क्या पता आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज भी किया जा सकता है। तो अपने भाई जो भी आपका ट्रस्टेड बंदा है उसके पास ये चीज़ें भेज के उसके बाद आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मंगवा सकते हो। सो आज की वीडियो मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कैसे क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। सो अगर अभी भी माइग्रेशन से रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।